हेलो मराठा फैमिली। तो दोस्तों फाइनली टीवीएस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज निकल कर आई है। अगर आप भी टीवीएस की अपाची आरटीआर 164B को परचेज करने की प्लानिंग कर रहे थे तो भाई अभी रुक जाओ, पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब टीवीएस बहुत ही जल्द अपनी अपाची आरटीआर 164B के नए मॉडल को बहुत सारे नए अपडेट के साथ इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। कंपनी इस बाइक में बहुत सारे नए चेंजेस कर इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कंपनी इस बाइक में क्या कुछ चेंजेस करने वाली है और इस बाइक का जो प्राइस अब आपको इंडिया में कितना देखने के लिए मिलेगा और ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च हो जाएगी, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों अगर हम बाइक के सबसे पहले चेंजेस के बारे में बात करें तो वो होगा बाइक के फ्रंट हेडलाइट में। अब इस बाइक के 2023 मॉडल में बिल्कुल नई हेडलाइट का डिजाइन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। कंपनी इस बाइक के हेडलाइट में बिल्कुल नया डिजाइन प्रोवाइड करवाने वाली है और बाइक की जो रात की विजिबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस बाइक के दूसरे अपडेट बारे में बात करें तो वो होगा बाइक के मीटर कंसोल में। अब कंपनी इस बाइक के मीटर कंसोल को भी चेंज कर इस बाइक में आपको बड़े साइज का TFT डिस्प्ले वाला कलरफुल मीटर कंसोल प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि आपको बहुत सारे लेटेस्ट फीचर के साथ देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस बाइक के तीसरे अपडेट के बारे में बात करें तो कंपनी अब इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS का फीचर प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि आज के टाइम में सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली पल्सर ने अपनी NS160 में भी डुअल चैनल ABS का फीचर प्रोवाइड करवा दिया है, तो अब TVS भी बहुत ही जल्द अपनी अपाची आरटीआर 164B में आपको डुअल चैनल ABS का फीचर प्रोवाइड करवाने वाली है। तो दोस्तों अगर हम इस बाइक के पांचवें अपडेट के बारे में बात करें तो बाइक के डिजाइन में आपको नए कलर, नए ग्राफिक्स और नई थीम देखने के लिए मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है और बाइक को काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करवाने वाली है। बाइक में बिल्कुल नए प्रीमियम पेंट का यूज किया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक की जो रेयर टेल लाइट है उसको भी चेंज किया जाएगा, इस बाइक में बिल्कुल नई रेयर टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों फाइनली अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर इस बाइक में इतने सारे अपडेट होंगे तो इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2 से 3 महीने के बीच में इंडिया में कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका इस बाइक के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन है तो मुझे कमेंट करके जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक भी सेंड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन।